भैया मोबाइल पीछे। इस संक्रमण काल में, इस कोरोना काल में लगातार पूरे शहर में हमारे यहाँ के निवासी कालकलवित हो रहे हैं और उनके दाह संस्कार के लिए, उनके अंतिम संस्कार के लिए व्यवस्थाएं जो सुचारू रूप से रहें, लकड़ी मिले, उन्हें संस्कार के लिए जो हवन सामग्री चाहिए, घी चाहिए, राल चाहिए, वो उनको मिले, ऐसी व्यवस्था करने के लिए मैं साधुवाद दूंगा। हरीश जी गिदवानी पैन वाले, उन्होंने अपनी ओर से नगर निगम के आह्वान पर आज 50 लोगों के संस्कार के लिए लकड़ी, हवन सामग्री, घी, राल सहित जो भी अंतिम संस्कार के लिए सामग्री चाहिए वो उपलब्ध कराने का आग्रह नगर निगम का स्वीकार किया। नगर निगम को उसके लिए इन्होंने स्वीकृति प्रदान की और जिन परिवारों को के पास में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है कि अपना परिवार के व्यक्ति का अंतिम संस्कार कर पाए जो कि कोरोना से संक्रमित है, ऐसे परिवारों को ये सामग्री और लकड़ी उपलब्ध माननीय हरीश जी गिदवानी के द्वारा कराई जाएगी। इसके लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और आपके मंच के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मैं आग्रह करूँगा हमारे समाज सेवियों से, हमारे भामाशाहों से, वो आएँ और इस प्रकार की संविधा में, हवन यज्ञ में अपनी आहुति भी दें और हमारा सहयोग करें, क्योंकि आज अजमेर की स्थिति विकट होती जा रही है। ऐसे परिवार जिनको सामग्री उपलब्ध नहीं है, लकड़ी उपलब्ध नहीं है, आज एक शमशान से तो यह तक जानकारी आई कि वहाँ पर लकड़ियाँ ख़त्म हो गई, तो उस तक वो लकड़ी पहुँचे और वो लकड़ी जिस ज़रूरतमंद, जिस अंतिम संस्कार करने के लिए, जिस व्यक्ति के लिए लकड़ी की ज़रूरत है, हवन सामग्री की ज़रूरत है, उस तक पहुँचे, उसमें हमारा सहयोग करें, ये मेरा आग्रह निवेदन आपके मीडिया के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, अजमेर के भामाशाहों से, समाज सेवियों से, विभिन्न सामाजिक संस्थाओं से है। इससे संपर्क करना पड़ेगा लकड़ी इस हेतु जो परिवार जिनकी स्थिति इस प्रकार की नहीं है, परिस्थिति इस प्रकार की नहीं है जो कि वहाँ पर जो अंतिम संस्कार के लिए जो क्रिया करने के लिए सामग्री चाहिए और जो लकड़ी चाहिए, उसके लिए वो निगम के जो हमारे जो अधिकारी हैं उनसे भी संपर्क कर सकते हैं और हरीश जी गिदवानी पैन वाले उनसे भी डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ जानकारी हमको अपडेट जो लेना होगा कि वो संक्रमित है या नहीं है, वो जानकारी उपलब्ध कराएं, परिवार की स्थिति का अंदाज़ा लगा करके उनको उपलब्ध करा दी जाएगी।